सही में कर दूँ? वन टू थ्री स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल वेल। नीट का पेपर भी हो चुका है और 12 के बोर्ड्स तो हो ही गए हैं, प्लस उनका रिजल्ट भी आ चुका है। अब तो कुछ एक साल तक के लिए आप हो गए हैं टेंशन फ्री कि चलिए चलो अब नेक्स्ट ईयर देंगे हम नीट भी और 12th भी। जो बच्चे इस साल 12th में गए हैं वो अगले साल 12th बोर्ड देंगे। जो बच्चे 10th पास आउट करके 11th में गए हैं, जिन्होंने PCB लिया है या PCM लिया है, उनके लिए, आप सबके लिए 11th, 12th और नीट के लिए एम करियर इंस्टीट्यूट लेके आया है एक बहुत धांसू बैच सारथी 2024। अब आप ही बोलेंगे सारथी क्या है मैडम, सबको पता है सारथी क्या है? आप लोगों ने महाभारत तो सुनी होगी। महाभारत का आप सबको पता है कि सारथी कौन था? श्री कृष्ण। किसका सारथी था? अर्जुन का। वैसे ही हम एम करियर इंस्टीट्यूट सारथी बैच आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक सारथी की पूरी टीम, जो आप लोगों को गाइड करेगी 11th के लिए, 12th के लिए, एज वेल एज नीट के लिए। स्पेशली नीट के लिए ज़्यादा, क्योंकि वो हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। और जिन बच्चों को तहे दिल से डॉक्टर बनना है, मतलब जानते हैं कि नहीं भैया हमें तो डॉक्टर बनना ही है किसी भी हालत में, हम तो नीट 2024 को फोड़ेंगे, साथ ही साथ एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज भी लेंगे, एक अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज की सीट भी उठाएंगे, उन बच्चों के लिए एम करियर इंस्टीट्यूट सारथी बैच के साथ 1 जून से आपके सामने आने वाला है। आप लोगों को वहाँ बेस्ट टीचर मिलेंगे बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। और एक बात और बच्चों, कि जितने भी टीचर्स आपको वहाँ पढ़ाएंगे वो सारे MBBS ग्रेजुएट हैं, डॉक्टर्स हैं और अच्छे वेल सेटल्ड सारे के सारे टीचर ग्रेजुएट हैं, ठीक है? तो आप लोगों को अच्छे बेस्ट टीचर देखने को मिलेंगे और बेस्ट पढ़ाई होगी हमारे साथ। किसके साथ? सारथी के साथ। तो चलिए, जिस तरह श्री कृष्ण ने अर्जुन का साथ दिया था महाभारत में, उसी तरह हम आपका साथ देंगे नीट 2024 के लिए। हम लोगों के साथ बने रहिएगा, सारे लेक्चर प्रॉपर अटेंड कीजिएगा, हर एक चीज़ प्रॉपर मैनर में कीजिएगा, तो आप नीट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर आउट कर लेंगे। ओके गाइस, तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। आज का हमारा लेक्चर होने वाला है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के लिए। पर उससे पहले एक चीज़ जो आप भूल रहे हैं, जानते हैं ना आप क्या भूल रहे हैं? अरे यार, कैसे भूल सकते हो बच्चों, मेरा इंट्रोडक्शन, मतलब प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों ने देखा है मैं कैसे इंट्रोड्यूस करती हूँ खुद को, तो फिर से एक बार वैसे ही मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ। सो 3, 2, 1, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एम करियर इंस्टीट्यूट, मायसेल्फ मृदुला खत्री, और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ बॉटनी, ठीक है? स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे हम, क्योंकि ज़्यादा बातें करने से ना, मुझे पता है आप लोग क्या करते हो, आप लोग ऐसे है ना, एक 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 10 सेकेंड्स का वीडियो स्किप कर देते हो कि चलो मैडम तो कितना बोलती है ना, तो ये नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, ये गलत बात है। और हाँ, एक चीज़ तो बिल्कुल 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 नहीं करना है, वो है विदाउट सब्सक्राइब करे जाना, ऐसा नहीं करना है बच्चों, मैडम को बुरा लग जाता है, मैडम सोचती है यार इतनी मेहनत करती हो आप लोगों के लिए और एक सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में, वैसे ज़्यादा बातें नहीं करने वाले हैं हम, सिर्फ ये जानने वाले हैं कि बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है। अब आप लोग एक चीज़ सोच रहे होंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है ना, सोच रहे हो ना, मुझे पता है बायोडाइवर्सिटी के बारे में सभी सोच रहे होंगे। बेटा, बायोडाइवर्सिटी के बारे में सोचने से पहले या जानने से पहले एक चीज़ जान लो, वो है कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या क्या वाले हैं। जब तक कंटेंट नहीं पता होगा, जब तक इंट्रोडक्शन नहीं जानोगे, तो पता कैसे चलेगा चैप्टर में क्या पढ़ोगे, पता है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी, जिसके ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड है, वो वर्ड है हमारा बायोडाइवर्सिटी, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी और टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी। अब देखो भैया, इतनी बड़ी धरती है, जानते ना कितनी बड़ी धरती है ना, इतनी बड़ी धरती है, इतने अलग अलग टाइप के जीव जंतु प्रेजेंट है, इतनी अलग अलग वैरायटी मिलती है, हाँ, खाने में भी नहीं, इंसानों में भी अलग अलग वैरायटीज़ होती है, देखा है ना तुम लोगों ने? उसी तरह हर एक वैरायटी को एक पर्टिकुलर टाइप में डिफरेंशिएट किया गया है, कि हम किस तरह से ये देख सकते हैं कि कितने टाइप्स हैं और किस तरह उनको डिफरेंशिएट किया गया है। हर एक प्रजाति को
हर एक पर्टिकुलर टाइप में ही रखा गया है कि इस डाइवर्सिटी को हम फर्स्ट टाइप में रखेंगे, इसको हम सेकेंड टाइप में, इसको हम थर्ड टाइप में, ठीक है। अब टाइप्स के बारे में जानना है तो उसके लिए हम आगे बात करेंगे, पर हम यहाँ भी कंटेंट की बात करें। थर्ड हम जानेंगे हाउ मैनी स्पीशीज आर देयर ऑन अर्थ। अब मैं हूँ, ठीक है, मैं ये तो नहीं कहती कि मैंने सबको देखा है, नहीं, मतलब कहने वाली बात है मैंने देखा है, पर मैं ये तो नहीं कहूँगी मैंने सबको देखा है। भाई देख ही नहीं सकती, एक इंसान पूरी दुनिया को कभी एक्सप्लोर नहीं कर सकता, एक एक चीज़ को एक्सप्लोर नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैंने बहुत सी चीज़ें देखी है। तो हम यहाँ पढ़ेंगे कि कितने तरह की स्पीशीज अर्थ पर प्रेजेंट है, कितने तरह की स्पीशीज की खोज हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मेन टॉपिक है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि हम इंसान हैं, हमसे बहुत गलतियाँ हो रही है, हम पॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये हमारी बायोडाइवर्सिटी को कितना नुकसान कर रहा है। इसी तरह हम पढ़ेंगे कि हमारी बायोडाइवर्सिटी में से क्या क्या जा चुका है, बहुत सारी चीज़ों को हमारी वजह से बहुत बुरा नुकसान झेलना पड़ा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चीज़ है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। अब भैया तुम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी लॉस करी है, ठीक है, तो उसको अब कंजर्व भी तो करोगे, करोगे कि नहीं करोगे यार, कंजर्व नहीं करोगे को इतनी प्यारी धरती है, इतनी गोल, इतनी सुंदर धरती है, हाँ क्या होगा उस धरती का, हम कैसे, हम सर्वाइव कैसे करेंगे बच्चों, हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे अगर हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व नहीं करेंगे। तो हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को कब कंजर्व करेंगे, सबसे लास्ट में, कंटेंट के सबसे लास्ट में अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करेंगे। अब एक चीज़ और, जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है, तो ये बताओ जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं या हम किसी टर्म के बारे में पढ़ते हैं, तो कुछ ऐसे इंसान हैं, ठीक है, हम तो नहीं है यार, हमने तो कभी किसी को कुछ नाम दिया ही नहीं है, मैंने तो खासकर कभी किसी को कोई नाम नहीं दिया, हाँ निकनेम की बात अलग है, पर जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, हर एक वर्ड को किसी एक पर्टिकुलर इंसान ने टर्म किया है, ठीक है, तो हम आज उनके बारे में भी पढ़ेंगे, एज वेल एज हम पढ़ेंगे फर्स्ट टॉपिक हमारा बायोडाइवर्सिटी। तो चलिए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी। अब अभी मैंने बोला कि आप लोगों का पहला क्वेश्चन होगा बायोडाइवर्सिटी क्या है, तो देखो वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी, क्या वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस इन विच दे एग्जिस्ट। अब मैंने आप लोगों को बोला इतनी बड़ी धरती है, एक तरह का प्राणी तो होगा नहीं, अलग अलग तरह के प्राणी, अलग अलग तरह के जीव जंतु, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, जिन्स की बात कर लो, अलग अलग तरह के लोग एक ही जगह पर एग्जिस्ट करें जिनमें वैरायटी हो, भिन्न भिन्न प्रकार, कहते हैं ना भिन्न भिन्न प्रकार, वेरिएबिलिटी हो, एक नहीं एक से ज़्यादा, भिन्न भिन्न प्रकार के एक से ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स, जिनमें इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस हो, वो अगर एक ही जगह पर एग्जिस्ट करे तो उसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। क्या कहते हैं बच्चों? बायोडाइवर्सिटी। बायो का मतलब स्पेशली होता है हमारा अर्थ, बायोलॉजिकल, और डाइवर्सिटी जिसमें हम एग्जिस्ट करते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु जहाँ पर रहते हैं, जहाँ वो अपना सब कुछ करते हैं, वो होती है हमारी बायोडाइवर्सिटी। समझ आया? बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं? जहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर मिलते हैं बच्चों, उसे कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी को हेटेरोजेनिटी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हेटेरो का मतलब सबको पता है, हेटेरो का बेसिकली मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग, हेटेरो अलग अलग, डिफरेंट। जेनेटिक, जेनेटिक का मतलब क्या होता है? जीन्स, डिफरेंट जीन्स के एनिमल प्रेजेंट होंगे, डिफरेंट जीन्स के प्लांट्स प्रेजेंट होंगे, बॉटनी में बात करो तो प्लांट्स, जूलॉजी में बात करो तो एनिमल्स, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, जीव और जंतु प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब भैया बायोडाइवर्सिटी की हमने बात कर ली है, तो अब हम एक चीज़ और पढ़ेंगे कि ये बायोडाइवर्सिटी वर्ड आया कहाँ से, बायोडाइवर्सिटी वर्ड आया कहाँ से। तो एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छी लाइन है जिस पे से नीट के क्वेश्चंस कई बार आते हैं, प्रीवियस ईयर में बहुत सारे नीट के क्वेश्चंस आए हैं। तो बेटा जो हमारा बायोडाइवर्सिटी टर्म है वो पॉपुलराइज किया था एडवर्ड विल्सन ने। एडवर्ड विल्सन एक बेस्ट सोशियो बायोलॉजिस्ट है जिन्होंने
हमारा बायोडाइवर्सिटी का टर्म दिया था, बायोडाइवर्सिटी वर्ड दिया था एडवर्ड विल्सन ने, जो कि एक सोशियो बायोलॉजिस्ट है, और ये है हमारे एडवर्ड विल्सन सर, ठीक है। इनकी फ़ोटो याद कर लो क्योंकि ये नीट में बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी से याद कर लेना कि हमारा बायोडाइवर्सिटी टर्म दिया था एडवर्ड विल्सन ने। अब हमने बात करी बायोडाइवर्सिटी की, अब उससे पहले कुछ अच्छी बातें करते। जब आप एनसीईआरटी की बुक उठाओगे ना, तो आपको एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें मिलेगी। एनसीईआरटी में स्टार्टिंग की लाइंस में लिखा है, मैं नहीं कहती, एनसीईआरटी कहता है कि अगर हमारी धरती पर एलियन आए, हमारी धरती पर दूसरे ग्रह से एलियन आए, तो वो क्या हो जाएंगे, वो बहुत शॉक्ड हो जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा भौचक्का हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे बच्चों? क्योंकि उन्हें अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, अलग अलग तरह की सब चीज़ें देखने को मिलेगी। अब भैया ऐसा एनसीईआरटी कहता है, क्या सिर्फ हमारे अर्थ पर ही अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी प्रेजेंट है? क्या हमारे अर्थ पर ही अलग अलग तरह के जीव जंतु एग्जिस्ट करते हैं? क्या बाहर नहीं करते होंगे? अब वो खैर अलग बातें, करते हैं कि नहीं करते वो हमें नहीं पता, बट हमारी अर्थ पे तो बहुत अच्छे से करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है, जब कोई एलियन बाहर से आएगा, तो जब वो हमारी पृथ्वी को देखेगा या हमारी धरती को देखेगा, तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाएगा, क्योंकि उसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलेगी। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी से याद आया, उन्होंने हमसे कहा डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी तो है, पर डाइवर्सिटीज़ कैसे है, ठीक है, कैसे हैं? उन्होंने बोला कि 20,000 प्रजातियां हैं चींटियों की। भाई मैंने तो आज तक दो तरह की देखी, एक लाल होती है, काली होती है। 20,000, मतलब मैं देख भी नहीं पाऊंगी 20,000, कितनी सारी तरह की वैरायटी होगी चींटियों में। बीटल्स की होती है 30,000 बीटल्स की वैरायटी होती है। बीटल्स जानते हो ना, बीटल्स क्या होते हैं? ब्लैक कलर के होते हैं, जिनका शेल बहुत हार्ड होता है, दैट इज़ कॉल्ड बीटल। जिनकी ऐसे सींग होते हैं, है ना, वो बीटल्स होते हैं। उनकी 30,000 वैरायटीज़ प्रेजेंट है अर्थ पर। मैंने तो आज तक एक ही देखी थी, वो काला कलर का होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने कितनी देखी है मुझे कमेंट करके बताना कि मैम मैंने तो इतनी देखी, इतने प्रकार की देखी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने बोला बेटा, जब हमने बायोडाइवर्सिटी पढ़ा, हमने ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा, हमने वेरिएबिलिटी के बारे में पढ़ा, तो अब हम पढ़ेंगे कितने टाइप्स में इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कितने टाइप्स है हमारी बायोडाइवर्सिटी के, ठीक है। तो चलो, बेसिकली बायोडाइवर्सिटी को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्या है? हमारे गुरु है, हमारे देवता है, किसके लिए? नीट के लिए। तो उसकी बातों को बिल्कुल इग्नोर मत करना, ठीक है। तो हमारी बायोडाइवर्सिटी को थ्री टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहला, जेनेटिक डाइवर्सिटी। नाम से ही आपको पता चल जाएगा, जेनेटिक मटेरियल या जीन्स की बात की जाएगी या एलील्स की बात की जाएगी। इसमें हम किस चीज़ की बात करेंगे? इसमें हम बात करेंगे जीन्स की। एलील्स की, क्रोमोसोम की और जेनेटिक मटेरियल की। अगर जीन्स के लेवल पे, एलील्स के लेवल पे या जेनेटिक मटेरियल के लेवल पे आप लोगों को वेरिएशन देखने को मिलता है, तो वो होता है हमारी जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है, जीन्स की, एलील्स के, क्रोमोसोम की या जेनेटिक मटेरियल की बात की करेंगे इस वाले टॉपिक में। नेक्स्ट है हमारा स्पीशीज डाइवर्सिटी। अब आप लोगों को पता है कि धरती पर एक तरह का स्पीशीज तो है नहीं, नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट है। जैसे हम इंसान हैं, तो हम हैं होमो सेपियंस, है ना, हम इंसान हैं, हमारे इंसानों की स्पीशीज अलग है, जानवरों की स्पीशीज अलग है। जैसे फ्रॉग, राना टिगरीना, उसके भी अलग अलग स्पीशीज प्रेजेंट होगी। नाम एक हो सकता है, पर स्पीशीज तो अलग अलग हो सकती है ना। तो जब हम कोई भी एनिमल या कोई भी प्लांट को स्पीशीज के लेवल पे या स्पीशीज की डाइवर्सिटी के लेवल पे देखते हैं, तो हम उसको स्पीशीज डाइवर्सिटी के टर्म में या स्पीशीज डाइवर्सिटी में उसे इंक्लूड करते हैं, और इसमें हम उसके टाइप्स को पढ़ेंगे। थर्ड है हमारा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम, अभी यहाँ पर्टिकुलर एक की बात कर रहे थे, यहाँ हमने उनकी पूरी स्पीशीज की बात करी, पर यहाँ हम उसके पूरे इकोसिस्टम की बात करेंगे। पूरे इकोसिस्टम से मतलब है उसका पूरा होल वर्ल्ड, या जहाँ पे वो एग्जिस्ट करता है, उसके आसपास का कंडीशन वो सब, या उसके आसपास का एनवायरमेंट, वो सब हम बात करेंगे इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अब यहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी की। देखो, जेनेटिक डाइवर्सिटी,
जेनेटिक डाइवर्सिटी में बात करने वाले हैं। ये कुत्ते के बच्चे बड़े प्यारे लग रहे हैं, लग रहे हैं ना, बहुत सुंदर से, क्यूट से, दो चार घर उठा के ले जाओ, है ना, भेज दूँ? अरे नहीं भेजूँगी यार, रहने दो। जेनेटिक डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी की डेफिनेशन देखिए, इट इंक्लूड्स वेरिएशन इन द टाइप एंड नंबर ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द डिफरेंट स्पीशीज। बेटा दो बातें बिल्कुल भूलना मत, जीन्स और क्रोमोसोम के लेवल पे जब भी कोई डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, दैट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, स्पीशीज एक हो सकता है, सिंगल स्पीशीज होनी चाहिए, सिंगल स्पीशीज। एक चीज़ और है इसमें कि हम यहाँ पे सिंगल स्पीशीज़ की बात करेंगे। मैं ये वर्ड क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कई बार आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए जेनेटिक डाइवर्सिटी में। जेनेटिक डाइवर्सिटी में बात करेंगे सिंगल स्पीशीज़, एक सिंगल स्पीशीज़, लाइक जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया डॉग है, तो भैया ये कुत्ता ही ना है, तो ये डॉग ही ना, पर फिर भी किसी के पास जर्मन शेफर्ड होता है, तो किसी के पास पोमेलियन होता है। क्यों होता है, क्यों कहेंगे तो हम उसे डॉग ही ना, रहेगा तो वो डॉग ही ना, फीमेल या मेल जो भी हो, वॉट एवर, पर रहेगा तो वो डॉग ही। लेकिन फिर भी हमारे आसपास आप देखेंगे कई तरह की वैरायटी प्रेजेंट है इनकी, ये इस वजह से क्योंकि इनके जो जीन्स है या क्रोमोसोम है, सिंगल स्पीशीज़ की बात कर रही हूँ, सिंगल स्पीशीज़ की जीन्स है या क्रोमोसोम है वो डिफरेंट है, जीन्स है या क्रोमोसोम है वो डिफरेंट है। अब देखो एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं दे रही हूँ आप लोगों को, बहुत अच्छे से सुनना बेटा, बहुत प्यार से। इंसान, हम इंसान हैं, ठीक है, अब हम इंसान, जब हम इंसान की बात करें तो देखिए मैं हूँ, अब भैया मेरी तरह तो कोई और होगा नहीं, ठीक है, मेरी मम्मी का भी जेनेटिक मटेरियल अलग होगा, मेरे पापा का भी अलग होगा, मेरे भाई, मेरे बहन या मेरे पड़ोसी का, सबका जेनेटिक मटेरियल सेम तो होगा नहीं, या जीन सेम तो होंगे नहीं। जेनेटिक मटेरियल तो चलो सबका डीएनए होता है, वो छोड़ो, जीन्स या क्रोमोसोम तो हम सबके सेम होते नहीं हैं। फिर जैसे कि मैं मेरे पापा के कुछ जीन्स हैं मेरे अंदर, कुछ मम्मी के, ऐसा तो है नहीं कि पूरे 100% मम्मी के या पूरे 100% पापा के, नहीं है ना ऐसा। उसी तरह जब मैं बात करूँ तो मैं हूँ, मेरे साथ और भी कोई होगा, रहेगी तो वो भी लड़की, कोई गर्ल ही ले लो मेरे साथ, लेकिन फिर भी हमारे जीन्स तो डिफरेंट रहेंगे ना। अगर उस लेवल पे बात करें तो वो होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जैसे कि हमारी एनसीईआरटी ने हमें दिया है कुछ एग्जांपल्स, चलो पहला है 1000 वेराइटीज ऑफ मैंगो। अब भैया आम है, गर्मियों का सीज़न चल रहा है, आम आया है, ठीक है, आम तो आम होता है ना, कहेंगे तो हम उसे भी मैंगो ही, पर कितनी तरह की वैरायटी आती है, लंगड़ा, अल्फांसो, हापुस, कितने टाइप की वैरायटीज़ होती है, रहता वो आम ही है लेकिन फिर भी उसकी वैरायटी होती है। एज अ जेनेटिक लेवल पे कहे जैसे कि कुछ आम बहुत मीठे होते हैं, कुछ बहुत खट्टे होते हैं, कुछ जल्दी पक जाते हैं, कुछ बहुत टाइम तक पकते हैं, है ना, उनके जीन्स सेम नहीं होते, उनके क्रोमोसोम सेम नहीं होते, इस वजह से उनमें वैरायटीज देखने को मिलती है। सेकंड, 50,000 वैरायटीज ऑफ राइस, बासमती हो गया, हरियाणा हो गया, कितने तरह के, मतलब आप लोगों ने भी देखे लंबे वाले, ब्राउन राइस, छोटे वाले, कितने टाइप के राइस होते हैं। ऐसे ही एनसीईआरटी कहता है 50,000 वैरायटीज है राइस की, भैया 50,000 वैरायटीज, खाइएगा भी 50,000 वैरायटी, चलो खाने का तो छोड़ो देखिए भी है, मैंने तो आज तक 2 या 3 से ज़्यादा नहीं खाई होगी, बिल्कुल नहीं खाई होगी, और पता पसंद भी नहीं है, मतलब वो छोड़ो, लेकिन फिर भी नहीं खाई होगी, क्योंकि भैया इतनी खा ही नहीं सकते, कहाँ से खाएंगे 50,000 वैरायटी, देखी नहीं जिंदगी में तो खाने खाएंगे कहाँ से, है ना। लेकिन अब मैंने नहीं खाई है इसका मतलब ये थोड़ी कि किसी ने नहीं खाई होगी, किसी ना किसी ने तो खाई होगी। यहाँ का अब जैसे कि यहाँ पे इंडिया में हम अलग अलग स्टेट्स की बात कर ले, एक स्टेट में जैसे सबसे ज़्यादा राइस कहाँ होता है बताओ, मुझे कमेंट करके बताना सबसे ज़्यादा राइस कहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है, कमेंट में मुझे आंसर चाहिए कि सबसे ज़्यादा राइस कहाँ प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब सुनो, जो राइस है, ठीक है, अगर इंडिया में बात करें, अगर मैं बोल दूँ कि भोपाल में उगाया गया है, भोपाल में राइस उगाया गया है, तो उसका जेनेटिक मटेरियल या जीन्स या क्रोमोसोम जो केरला में राइस उगाया जाएगा उसकी तरह तो होगा नहीं, जो बंगाल में राइस उगाया जाएगा उसकी तरह तो होगा नहीं, सब डिफरेंट डिफरेंट होंगे ना। उसी तरह हर एक स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, या स्टेट टू स्टेट नहीं भी बोले तो भी हमारे पास 50,000 वेराइटीज़ है राइस की। एक और बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी ने हमें, रोवोल्फिया वोमिटोरिया, रोवोल्फिया वोमिटोरिया,
रॉ वॉल्फिया वॉमिटोरिया स्पेशली हिमालयन घाट्स में या हिमालयन रेंजेस में पाया जाता है. हिमालय रेंजेस में रॉ वॉल्फिया वॉमिटोरिया प्रेजेंट होता है. एक ये एक तरह का प्लांट है जिसमें से एक एक्टिव केमिकल निकलता है. एक केमिकल निकलता है जिसका नाम है रिजरपाइन. रिजरपाइन जो केमिकल है वो स्पेशली बीपी के पेशेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है. लेकिन मेन पॉइंट ये है कि जो रॉ वॉल्फिया वॉमिटेरिया है या जो रॉ वॉल्फिया वॉमिटोरिया का प्लांट है वो एक एक्टिव केमिकल रिजरपाइन हमें देता है. फिर भी हमने उसे जेनेटिक डाइवर्सिटी में रखा है. क्यों? वो बेटा इसलिए रखा है क्योंकि अब मान लो ये हिमालय है. हिमालय के हर एक जगह का टेम्परेचर, हर एक जगह का कंडीशन सेम नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता. अगर यहाँ पे कोई एक रॉ वॉल्फिया वॉमिटोरिया ग्रो कर रहा है तो यहाँ पे उसका अलग होगा, यहाँ पे वो प्लांट अलग होगा. मतलब उसके जीन्स या क्रोमोसोम अलग होंगे, उसमें जो केमिकल दे रहा है केमिकल पोटेंसी जो है उसकी वो डिफरेंट होगी. केमिकल पोटेंसी यानी कि वो कितना ज़्यादा वर्क करता है, कितना ज़्यादा काम करता है या कितना ज़्यादा एक्टिव केमिकल है वो, उसकी पोटेंसी अलग अलग होगी. हर एक रेंज में उसकी पोटेंसी अलग अलग होगी. वो भले ही हिमालयन रेंजेस में पाया जाता है लेकिन फिर भी उसमें जीन्स और क्रोमोसोम डिफरेंट होंगे. इस वजह से उसे जेनेटिक डाइवर्सिटी में रखा गया है. ये तीन बहुत इम्पॉर्टेंट है बेटा, तीनों एग्जाम्पल्स आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा. तीनों एग्जाम्पल, पहला 1000 वेराइटीज ऑफ मैंगो, सेकेंड 50,000 वेराइटीज ऑफ राइस एंड थर्ड इज रॉ वॉल्फिया वॉमिटोरिया. ओके, जेनेटिक डाइवर्सिटी को हम यही ख़त्म करते हैं और अब हमने बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पीशीज डाइवर्सिटी. अब बेटा स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात की जाए तो अभी मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था तीन टाइप्स में हमने डिवाइड किया था हमारी बायोडाइवर्सिटी को. पहला था जेनेटिक डाइवर्सिटी, सेकेंड स्पीशीज और थर्ड इकोसिस्टम. अब अगर हम स्पीशीज़ की बात करी जाए तो स्पीशीज डाइवर्सिटी में क्या कहा जाता है. देखो, इट डिस्क्राइब्स द रिचनेस एंड वेराइटी ऑफ स्पीशीज, रिचनेस एंड वेराइटी ऑफ स्पीशीज इन अ पर्टिकुलर रीजन. एक पर्टिकुलर रीजन की स्पीशीज़ की बात करेंगे हम यहाँ पे. स्पीशीज तो एक जानवर की कितनी भी हो सकती है, किसी भी एक पर्टिकुलर एनिमल की बहुत सारी स्पीशीज हो सकती है, पर हम एक पर्टिकुलर रीजन की बात करेंगे. अगर मान लो वो जानवर या वो एनिमल या वो प्लांट मान लो, एनिमल मान लो, किसी एक पर्टिकुलर रीजन में ग्रो कर रहा है तो उसकी स्पीशीज़ कैसे डिफरेंट हो सकती है, ये बात कर रहे हैं. देखो फिर से बढ़ते हैं. इट डिस्क्राइब्स द रिचनेस एंड वैरायटी ऑफ अ स्पीशीज इन अ पर्टिकुलर रीजन. इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ स्पीशीज पर यूनिट एरिया. नंबर ऑफ स्पीशीज पर यूनिट एरिया से हमारा कहना है कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट हो सकते हैं सेम एनिमल्स के या सेम प्लांट्स के. प्लांट एक ही होना चाहिए, स्पीशीज डिफरेंट हो सकती है पर प्लांट या एनिमल क्या होगा, एक ही होगा. अब जैसे अगर हम बात करें तो फिशेस की ले लो, फिश की बात करी जाए तो रहते तो सब मराइन वाटर में है या मोस्ट ऑफ द फिशेस फ्रेश वाटर में भी रहती है, वो उनका अपना कंडीशन है. कुछ फिशेस मराइन में रहती है, कुछ किस में रहती है, फ्रेश वाटर में रहती है. वो डिपेंड करता है उनके क्लाइमेटिक कंडीशन पे, उनके बिहेवियर पे, उनके हैबिटेट पे डिपेंड करता है. पर हम यह बात करते हैं जैसे मराइन फिशेस हैं. अब ये है सब फिश है, मतलब जितनी भी फिश की बात कर लो, जितनी मराइन वाटर में फिशेज रहती है सबकी बात कर लो, ठीक है सब फिश, लेकिन फिर भी सबकी स्पीशीज़ अलग अलग है. जैसे जो लोग नॉन वेजिटेरियन होंगे या जो लोग फिश खाते होंगे उनको पता होगा कितने तरह की कटला, रोहू एंड बहुत सारी फिशेज के नाम है, मुझे याद नहीं है खैर, पर मैं बता दूं कि इतने दो चार तो नाम याद ही है कि हाँ इतनी तरह की होती है. लेकिन फिर भी उनको अलग अलग नामों से क्यों बुलाया जाता है तो सब फिश ना, है तो सब फिश, रहती तो सब भी पानी में है. ऐसा तो है नहीं कि कोई भैया कोई फिश बाहर पानी के बाहर रह रही हो, है ना, या कोई फिश आसमान में उड़ रही हो, नहीं ना, सब रहती तो पानी में ही है. लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स स्पीशीज़ उनकी डिफरेंट होती है, इस वजह से उनकी डाइवर्सिटी, इसलिए उनको हमने स्पीशीज़ डाइवर्सिटी में इंक्लूड किया है क्योंकि
उनकी स्पीशीज़ जो है पर्टिकुलर रीजन में अलग अलग हो सकती है, वैरायटी देखने को मिल सकती है, रिचनेस देखने को मिल सकती है, एक ही जानवर की या एक ही प्लांट की स्पीशीज़ अलग अलग हो सकती है अगर वो एक पर्टिकुलर रीजन में रहे तो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर एनसीईआरटी में है ये एग्जाम्पल, और इस एग्जाम्पल से बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं नीट में, तो इसको भी नज़रअंदाज बिल्कुल मत करना। देखो क्या कहता है, वेस्टर्न घाट्स हैव अ ग्रेटर एम्फीबियंस स्पीशीज डाइवर्सिटी देन द ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट है, आपने अगर इसे देखा होगा, खैर इतना अच्छा तो नहीं बनाया है मैंने मैप, पर फिर भी इधर पड़ता है हमारा ये पूरा वेस्टर्न और ये पड़ता है हमारा ईस्टर्न घाट, ये पड़ता है ईस्टर्न और ये पड़ता है वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट्स में एम्फीबियन की स्पीशीज ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, ईस्टर्न घाट के कंपैरिजन में। अब ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चों जो वेस्टर्न घाट का क्लाइमेटिक कंडीशन है वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, वहाँ फ्रेश वाटर एम्फीबियन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स का क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत अच्छा है जिससे कि जो हमारे एम्फीबियंस हैं उनको अपना एक पर्टिकुलर कंडीशन मिल जाता है या एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट मिल जाता है खुद को सर्वाइव करने के लिए। सेकेंडली क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छा है पहले तो, उसके बाद यहाँ रिचनेस है स्पीशीज़ की, रिचनेस है क्या है, यहाँ अलग अलग तरह की स्पीशीज़ देखने को मिल जाएंगे आपको एक ही एनिमल के या एक वन ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट स्पीशीज देखने को यहाँ आसानी से मिल जाएंगे आपको। इसी वजह से वेस्टर्न घाट हैव अ ग्रेटर एम्फीबियन स्पीशीज डाइवर्सिटी देन द ईस्टर्न घाट्स। तो बच्चों स्पीशीज डाइवर्सिटी भी आप लोगों को समझ आ गया होगा, आई होप बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और नहीं समझ आया तो आप लेक्चर को फिर से रिवाइंड करके बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल कन्फ्यूज़ मत होना बिल्कुल भी नहीं, आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। और आगे हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इतना सारा एक बार में दिमाग में डालना इट्स नॉट अ पॉसिबल थिंग, ओके। तो इतना लोड मत लीजिए, 24 आने में भी टाइम है, तो एक एक चीज़ को बहुत अच्छी तरह रिवाइज कीजिए, नोट्स आप यहीं से बना सकते हैं, इसलिए हमने आपको एक बहुत अच्छी स्टडी मटेरियल दिया है कि ताकि आप अपने नोट्स यहाँ से प्रिपेयर कर सके बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ये जितना भी मैंने पढ़ाया था अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। और मैं फिर से आप लोगों को बता रही हूँ कि आप सारथी बैच के साथ इसी तरह बने रहिएगा, मृदुला मैम के साथ आप इसी तरह बने रहिएगा, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से मस्ती में पूरी बॉटनी रट जाएगी। किसके लिए, नीट के लिए, किसके लिए बेटा, नीट 2024 के लिए, ठीक है। तो अब आप लोगों को यहीं पर मैं आप लोगों को बाय बोलती हूँ, क्योंकि मेरा इतना ही टॉपिक था, इतना ही लेक्चर था आज के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में आप मेरे साथ बने रहिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा जो क्वेश्चंस मैंने आपसे किए हैं, मुझे आंसर चाहिए। और मुझे इस बात का भी आंसर चाहिए, तो मुझे इस बात का भी आंसर चाहिए स्टूडेंट्स, कि आप लोग मुझसे बॉटनी बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह बहुत प्यारे प्यारे लेक्चर्स लेके आती रहूँ। थैंक यू सो मच, बाय।